और क्या तैयारियां उनको लेकर कांवड़ लेकर कांवड़ को लेकर चले? देखिए, सावन के प्रथम सोमवार में यहाँ विशेष रूप से हरिद्वार की तरफ से कांवड़ लेके आते हैं लोग, उसमें हमारे शहर के जनपद के भी रहते हैं और अन्य जनपदों के लोग भी यहाँ से गुजरते हैं। तो हमारा पूरा कांट रोड, रामपुर रोड, इस पर हमने पूरा पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया है। विभिन्न स्थानों पर ट्रेन की व्यवस्था की है। आवश्यकता पड़ने पर यदि कांवड़ियों की संख्या अधिक हुई तो एक मार्ग को हम लोग डेडिकेटेड कांवड़ियों के लिए भी रखेंगे और ट्रैफिक को यथानुसार उसको डाइवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए भी जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके डाइवर्जन के लिए पहले से ही प्रेस में दिया जा चुका है। तो ये सारी व्यवस्थाएँ हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो और जो भी कांवड़ जल लेके हरिद्वार से आ रहे हैं वो अपने गंतव्य को सकुशल पहुँच सकें। सर, कितनी मात्रा में पहुँच रहा है इसमें? पूरा जो सावन का महीना उसमें पूरा चारों सोमवार के लिए ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और इसमें हमारे यहाँ लगभग 700-800 लोग कुल मिला के सारी ड्यूटियों में लगे हैं। इसमें सिविल डिफेंस के लोग भी हैं, पब्लिक के वॉलंटियर भी लगाए गए हैं, फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, हमारा सभी की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं।